हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज का एक और नया पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चाहे आपका एग्जाम RPF SI हो, कॉन्स्टेबल हो, यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल हो, ALP CBT 2 हो, SSC GD हो, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहे, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, और रात को ऑनलाइन टेस्ट की भी, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है, तो एक लाइक तो जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए। और जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, और ऑनलाइन टेस्ट की अलग, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहां पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है √5 √5 आपको यह दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिए जब भी √5 कुछ भी आपको दे रखी होती है डिजिट इस तरीके से, तो इसको पीछे से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 29 + 7√, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं इसी तरीके से, तो यहाँ पे 29 + 7 लिख दिया मैंने, 49 को 7 लिख दिया है, ठीक है। फिर इसको हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये, इसको ये हो जाएगा 36। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो मैं इसको यहाँ पे इस 29 + 7 की जगह 6 लिख दूंगा, तो 19 + 6 हो जाएगा। अब 19 + 6 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 19 + 6 25 होता है, ये आपका 5 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसकी जगह 5 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 + 5 हो जाएगा। अब 11 + 5 क्या होता है, 16 होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया, तो 5 + 4 की 9 हो जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा हार्ड लगता है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप पीछे से सोल्व करना स्टार्ट करिए, वो किसी ना किसी मतलब स्क्वायर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे, जिनमें 900 लड़के और शेष लड़कियाँ थी, यदि 32% लड़के और 38% लड़कियाँ पास हुए तो फेल हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत होगा। तो देखिए ये भी बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2000 हैं, 2000 में से 900 लड़के हैं, तो बाकी बची हुई लड़की होंगी, तो 900 अगर लड़के हैं तो 1100 लड़की हो जाएंगी, ठीक है। अब 900 लड़कों में से 32% लड़के पास हुए हैं, तो 32% कितना हो जाएगा, 288, यानी कि इतने लड़के पास हुए हैं। फिर 38% लड़की पास हुई हैं, तो 1100 का 38% हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 418, यानी कि 418। अब इनको हम कर लेंगे प्लस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास हुए हैं, 706 स्टूडेंट पास हुए हैं 2000 में से, तो बाकी के बचे हुए क्या हुआ होगा उनका, वो फेल हुए होंगे, ठीक है। तो 2000 में से 706 माइनस कर दीजिए 1294, 1294 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट विद्यार्थी जो हैं वो फेल हुए हैं, तो 2000 में से 1294 फेल हुए हैं, तो 1294 बटे 2000, और इनको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, 64.7% इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भाई हमने जो पास हुए हैं उनको अलग से निकाला, फिर जो टोटल नंबर है उनमें से माइनस कर दिया, तो बाकी के बचे हुए क्या है आपके, फेल हुए। अब जो फेल हुए हैं वो कितने में से हुए हैं, 2000 में से 1294, तो 1294 बटे 2000 और गुना 100 से कर देंगे ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका राइट आंसर 64.7% हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा, और जो ये क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है सोल्व करना, बट एक बार देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे दे रखा है √12.25 / 0.49। अब जो ये नंबर इसके अंदर होता है रूट के, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर जरूर मिल जाएगा आपको, ये मतलब 99% चांस होते हैं कि स्क्वायर ही मिल जाएगा, क्योंकि तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब जैसे 12.25 लिखा है, 12.25 लिखा है, 0.49 यहाँ पे नीचे लिखा है,
अब इसमें अगर मैं ऊपर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर भी 100 की हुई है तो नीचे भी 100 की हो जाएगी। तो ऊपर की 100 करते ही कितना हो जाएगा, 1225, और नीचे 100 की मल्टीप्लाई होती है ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब ये 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का, तो मैंने यहाँ 35 लिख दिया। और 49 किसका स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, तो 35/7, और 7 से 35 जाएगा 5 टाइम, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, और जो नंबर निकल के आएगा वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो स्क्वायर मिल गया तो बस आपका आंसर आ ही जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई करके देखिएगा, बहुत आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 342 मल्टीप्लाई 348 मल्टीप्लाई 316 का इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी इकाई अंक की बात की जाती है तो हम सारे नंबर को भूल के सिर्फ इकाई की बात करते हैं। ठीक है, जो इकाई में लिखा है उसको ही हम लेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, बाकी और छोड़ दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 हम करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो 16 में भी हमें 1 नहीं लेना है, बस 6 लेना है। ठीक है, 6 की 6 में करेंगे, यहाँ पे कितना 36, तो 36 में भी हमें क्या लेना है, बस 6 लेना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पता होंगे ये क्वेश्चन, बट एक बार मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें एक बार कराना मतलब मेरे को ज़रूरी है, क्योंकि जब कोर्स का रिवीजन हो ही रहा है तो सारी चीज़ों का रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, बस आपकी समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। देखिए, पूरक कोण का योग एक समकोण होगा। ठीक है, और समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 30 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 में से 30 को माइनस कर दीजिए, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बट कई बार क्वेश्चन को देखने के बाद में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती तो वो छोड़ के आ जाते हैं। अब ये फ्री के क्वेश्चन हैं, फ्री के मार्क्स हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जैसे ये है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, जो शेष बचा हुआ होता है, अब दोबारा किस नंबर से भाग देने की बात की जा रही है, 19 से। देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बच रहा है। किसी संख्या को, कोई संख्या है, हमें नहीं जानना क्या संख्या है, पर कोई संख्या है जिसको 114 से भाग देते हैं तो 21 शेष बचता है। अब उसे बोला जा रहा है अगर उसे 19 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो आपको कुछ नहीं लेना है, किसी से कुछ मतलब नहीं है, 21 से ही 21 को ही भाग कर दीजिए 19 से, तो जो शेष बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे आप, मतलब भाई जो शेष आपका बचा होता है, जो क्वेश्चन में शेष दिया होगा, अब जो नए नंबर से डिवाइड करने की बात की जा रही है भाग करने की, तो उस शेष को ही भाग कर दीजिए उस नंबर से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 21 को हम 19 से डिवाइड करेंगे, वन टाइम जाएगा 19। ठीक है, और अब ये शेष बचेगा आपका 2, तो 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 84 है, इनमें बड़ी संख्या होगी, इनमें बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो दो संख्या आपका 3:4 के अनुपात में है और उनका जो एलसीएम है वो 84 है। ठीक है, तो इनमें बड़ी संख्या आपको बतानी है। देखिए, दो संख्या हमारे पास अगर 3:4 के रेशो में है तो दो संख्या होंगी कौन सी, 3x और 4x। अगर 3x और 4x का जो मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, 12x आएगा। ठीक है, तो 12x अगर आप देखें तो मेरे पास 12x एलसीएम है, और ये किसके बराबर है, 84 के, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 84 है। तो 12x बराबर 84 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे एलसीएम लेने की बात की जा रही है, क्योंकि मल्टीप्लाई में फिर एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, तो मैं आपको एलसीएम की बात बता रहा हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम 12x होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल लेंगे, 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी, बड़ी संख्या 4x है, तो 7 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 में, तो 28 इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों को ईजी लगे हैं क्योंकि वो इनको कर चुके होंगे, बट अभी वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर हो तो इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या होगी, वो आपको बताना है। देखिए, कमरा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक कमरा होगा और उसमें बोला जा रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 10-10 मीटर है, और जो ऊंचाई है उसकी 5 मीटर है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए सबसे लंबी छड़ी रखने की, तो सबसे लंबी छड़ी हम कैसे रख सकते हैं, ऐसे विकर्ण में, यानी कि डायगनली हम रख सकते हैं, बाकी ऐसे सीधी तो नहीं रख सकते ना ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि सबसे लंबी तो हम ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है,
आप कुछ भी देखिए, किसी भी उसमें देखिए, किसी भी बॉक्स में रख के देखिए डंडी को, वो जैसे टेढ़ी करके आ जाएगी डायगनली, जैसे लंबी डंडी आ जाएगी वो सीधी करके नहीं आ सकती है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, ये डायगनल निकालना है, विकर्ण हमें निकालना है। तो विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट एल का स्क्वायर यानी कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर हम कर लेंगे और आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 225। और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो आपका 15 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर इज़ द राइट आंसर। तो ये कितना आएगा, 15 मीटर, यानी कि सबसे लंबी जो छड़ी रखी जा सकती है वो 15 मीटर की रखी जा सकती है इस कमरे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे विकर्ण ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें सबसे लंबी छड़ी की बात की गई थी और सबसे लंबी छड़ी हम इसी तरीके से रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक पेन का अंकित मूल्य जो है वो 12 है, उस पर 15% की छूट दी गई है, दूसरी छूट देने पर पेन का मूल्य घटकर 8.16 हो जाता है, दूसरी छूट की दर है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक छूट जो पहले दी गई वो 15% की थी और उसके बाद भी एक छूट दी गई है, उसकी परसेंटेज नहीं बताई गई है, वो आपको बताना है। अगर मैं पहली छूट की बात करूँ तो 12 पे मैं 15% निकालूंगा तो 1.8 आएगा, तो 12 पे मैंने 15% निकाला, 1.8 आया, यानी कि 1.8 की आपने छूट दी थी, तो 12 में से 1.8 माइनस करिए कितना आएगा 10.2। अब इसके बाद फिर एक छूट और दी गई और उसकी छूट देने के बाद में जो नई आपकी घट के मूल्य आया है वो है 8.16, यानी कि इतना घट गया है। तो कितना घटा है, 10.2 से 8.16 हो गया, इसका मतलब ये 2.04 से घट गया। अब ये इतना जो घट के आया है, ये जो घटा हुआ आया है, ये छूट है। अब ये छूट किस पे दी जाएगी भाई, छूट जब भी दी जाएगी वो पहले वाली अमाउंट पे दी जाएगी, इस पे तो नहीं दी गई होगी, ये तो छूट देने के बाद आई है, तो इस अमाउंट पे, इस वाली संख्या पे छूट दी गई होगी, तो छूट की परसेंटेज हमें निकालनी है। तो 2.04 अपॉन में 10.2 आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो 204 ही हो जाएगा, 2.04 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 204 को हम 10.2 से डिवाइड करेंगे तो 20% आपका बन जाएगा और 20% ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और बता दीजिए मुझे कमेंट में कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो वहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 11 चाकू 100 रुपये में खरीदता है तथा 10 चाकू 110 में बेच देता है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है, यानी कि लाभ आपको बताना है। तो देखिए एक व्यक्ति 11 चाकू 100 रुपये में खरीदता है तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई, 11 चाकू 100 में खरीद रहा है तो 11 को 100 से भाग करेंगे तो ये उसका क्या हो गया, CP आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब इसको डिवाइड करके मत लिखिएगा क्योंकि पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में लिखने से अच्छा है कि आप इसको वैसे का वैसे लिख के रखें, ठीक है। तो 100 को आप 11 से भाग करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, CP आपका 100/11 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना है, 10 चाकू 110 रुपये में बेच दिए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 110/11, यानी कि 11 आपका जो है वो सेलिंग प्राइस आ गया है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ हुआ कितना, CP माइनस सेलिंग प्राइस हम माइनस करेंगे भाई, जितनी हमारी लागत थी उसमें से हमने जितने में बेच दिया उसे माइनस करेंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट आएगा निकल के। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 हम कर देंगे, हमारे पास 11 रुपये की मतलब ये वस्तु थी हमने 11 रुपये की बेची, तो 11 में से 100/11 को माइनस करेंगे अपॉन में, हमेशा CP आता है तो 100/11 नीचे लिखेंगे, ठीक है भाई, लागत ही तो हमेशा नीचे आएगी, क्रय मूल्य, और इनटू कर देंगे 100 से। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 11 × 11 121 और माइनस 100 तो 21/11 आपका ये हो जाएगा अपॉन में 100/11, 11 से 11 कट जाएगा, 100 से 100 और आपका बचा कितना 21, तो 21% इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो लाभ का प्रतिशत है वो कितना है, 21% लाभ हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको अगर समझा सका वहीं पे समझा दूंगा, अदरवाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी क्लियर हो सके चीज़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:3 के अनुपात में है,
इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात ये हो जाता है, यानी कि दूसरा 8:7 हो जाता है। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, यानी कि पहले वाले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो मिल्क और वाटर है आपका, वो रेशो में किस में है, 4:3 में। तो 4x और 3x आपने लिखा, 6 लीटर पानी इसमें डाल दिया गया, यानी कि वाटर अगर डाला है तो बस वाटर ही तो प्लस होगा, तो 6 लीटर इसमें वाटर प्लस कर दिया गया। पहले जो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात था वो 4:3 था, तो 4x और 3x में आपने क्या किया, 6 लीटर पानी और डाल दिया, तो जो वाटर का रेशो था 3x, उसमें 6 प्लस कर देंगे और जो नया रेशो बन के आया इस पानी के डालने के बाद वो ये बन के आया, तो इसको इक्वल करके लिख लेंगे 8:7, तो 8/7 आपने ये लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके से। तो 7 की इस साइड में करेंगे 28x और 8 की साइड में करेंगे 24x और 48 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 28x माइनस 24x कर देंगे तो 4x = 48 हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 12 आ गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, दूध की मात्रा बतानी है पहले, मतलब मूल कितनी थी, पहले कितना दूध था इसमें, तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था, तो 4 की मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें 12 मिल गई, तो 48 लीटर इसमें पहले मिल्क था, अभी भी 48 लीटर ही है। यही आपसे पूछा गया था कि मूल मिल्क इसमें कितना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रिक है ये, 4 साल का जो आपको निकालना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें आपको एक ट्रिक यूज करनी होती है। ट्रिक का नाम है 4641, बस इतना याद करिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है 20,000 और रेट दे रखा है 10%। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 20,000 का 10% निकालिए, कितना आया, 2,000, और इस 2,000 में 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8,000, पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा स्टेप पे आते हैं 6 पे, फिर 2000 का 10% निकालिए, 2000 का 200 आ गया, मल्टीप्लाई 6 करनी है, 1200 लिख दिया, दूसरा स्टेप भी खत्म। तीसरे में आपको क्या करना है, 200 का आप 10% निकालिए, और इसको कितना है 20 में मल्टीप्लाई 4 की करिए, तो कितना आ गया 80, तीसरा स्टेप भी खत्म, ठीक है। चौथे में तो 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे 20 का 10% निकालिए, 2 आया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 लिख दिया। तो दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना है, आप ये पूरा का पूरा ऐड कर लेना है, 8,012,1200 आपको करना है, 80 और 2 कितना हो जाएगा, 9,282, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9,282 इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक समझ में आ गई, बस आपको 4641 की मल्टीप्लाई करनी है जितना भी इंटरेस्ट आएगा। ध्यान रखिए, सबसे पहले जो इंटरेस्ट आया उसमें 4 की मल्टीप्लाई, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका 10% निकाला, फिर उसमें 6 की मल्टीप्लाई, जो इंटरेस्ट आया उसका फिर 10% निकाला, फिर उसमें 4 की मल्टीप्लाई, जो इंटरेस्ट आया फिर उसका 10% निकाला, फिर उसमें 1 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने लाइक और शेयर तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए, दोस्तों को अपने व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन जो आपको दिखा दे रहा है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पे जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करिए, वहाँ से आप टेलीग्राम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई सवाल क्वेश्चन आपको पूछना है मेरे से, तो इंस्टाग्राम पे जाइए, SourabhMallik17 के सर्च करिए, वहाँ पे जाके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।